क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं आ रहा हूँ, कल तक आ जाऊंगा मैं। हाँ अरे पागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था साइड में। वैसे भी हम दोनों मिल नहीं पाते हैं, पर ये बता ये कौन है तेरे साथ फौजी? मेरे भैया है वो, और मेरे भैया के सामने तुमने ऐसे करके खींचा है ना मुझे, अगर उन्हें पता चल जाता ना तो छोड़ते नहीं तुम्हें। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हो? मैंने इसलिए बना रखी तेरे लिए क्योंकि तू यहाँ से निकलती है और तेरा भाई भी या कोई भी फैमिली वाला निकलता है तो मेरे को पहचान नहीं पाए और तेरे से ना आराम से बात कर सकूं। अरे वो पहचानेंगे तो तुम्हें तब ना जब वो तुम्हें जानते होंगे। ये तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब सुनो मेरी बात, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर भैया ने देख लिया ना मुझे तुमसे बात करते हुए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक है दिव्या, चले हम। दिव्या दिव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया वो ये भिखारी ना बहुत देर से पीछे पड़ रहा था, पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि बेचारे ने ना 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो बस इसी से बात कर रही थी। मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। अच्छा मेरा ना कॉल चल रहा है तो फिर चलें फिर हम लोग। भैया आप एक काम करो ना, आप पहुंचो कार तक पहुंचो, मैं इसको ना कुछ खाने के लिए दिलवा देती हूँ फिर आती हूँ। ठीक है। आज के बाद ना ऐसी हरकत दोबारा कभी मत करना, अगर मेरे भैया को जरा सा भी शक हो गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं करूंगा, पर अब एक बात बोलो, तुम्हारा भाई तो चला गया, अब हम लोग ना शादी कर लेते हैं यार, काफी दिन हो गए, अब ऐसे कैसे मिलते रहेंगे? शादी करके थोड़ा अच्छा लगेगा ना। सही बात है, पर शादी है वो कोई खेल नहीं है, जो भैया चले गए तो कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। सुनो मेरी बात, तुमने मुझसे बोला था ना कि तुम अपनी सारी की सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। जिस दिन तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे ना उस दिन मैं भैया से जाके तुम्हारी बात कर पाऊंगी, वरना मेरे भैया ना इस रिश्ते के लिए ना कभी नहीं मानेंगे। तुम एक बार ना अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, उसके बाद में हम दोनों की शादी ना जरूर होके रहेगी। उसके बाद अगर भैया नहीं भी माने ना तो मैं तुम्हारे साथ में ना भाग के चलूंगी। ठीक है? ठीक है, तो मैं ना आपको कर दूंगा प्रॉपर्टी नाम में, तो तुम ना भैया से बात कर लेना है ना। हम पहले तुम प्रॉपर्टी तो लेकर आओ, फिर भैया से भी बात कर लेंगे। और मैं क्या कह रही थी, मैं तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुमने निकलवा लिए? पैसे अभी तो नहीं निकलवाए, पर आज निकलवा लूंगा और तुम्हें दे जाऊंगा घर पे जाकर, है ना। और ना देख लेना, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा तू इससे बहुत प्यार करती है? नहीं भैया, क्या बोल रहे हो आप? मैंने तो ये बोला था कि चारों तरफ ना नफरत फैली रहती है, तो इंसानों को एक दूसरे से ना प्यार से बात करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, है ना। अच्छा ये बेचारा गरीब है ना, इसको सब ऐसे ही फटकार के चले जाते हैं, तो मैं कह रही थी कि मैं तो तुमसे प्यार से बात करती हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बकवास बंद कर अपनी, मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है और मैंने सब कुछ सुन लिया है कि तू उससे क्या क्या बात कर रही थी और क्या क्या बात नहीं कर रही थी। तू उससे प्यार करती है, शादी करना चाहती है तुझसे? नहीं भैया पागल हो गए हो क्या? मैं इससे कैसे शादी कर सकती हूँ, ये तो एक भिखारी है ना। अच्छा ये मेरी नजर में भिखारी है, पर तेरी नजर में तो बहुत ज्यादा पैसे वाला है ना, तभी तू उससे प्यार करती है ना किसी पैसे के चक्कर में। नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ भाई ये तुझसे प्यार नहीं करती? हाँ करती है, और मैं भी ना इससे बहुत प्यार करता हूँ, विजय ना जी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ना हम लोग शादी की बातें कर रहे थे कि तू ना मेरे से शादी कर ले, अब हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे। अरे दिव्या कब तक झूठ बोलेगी, बोलना अपने भैया से कि तू प्यार करती है नहीं करती है। अच्छा ऐसी बात है, अगर तू उससे प्यार करती थी तो मुझे बता देती, मैं तुम दोनों की शादी वैसे करवा देता। अब एक काम करते हैं, मैं तेरे घर चलता हूँ और मैं बात करके फिर से तेरी शादी करवा दूंगा। नहीं भैया मुझे नहीं करनी इससे शादी। अरे आप इसको देखो एक बारी, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ, और मैं कोई इससे प्यारे व्यारे नहीं करती। वो तो ये बहुत पैसे वाला है ना, इसलिए मैंने इसको बोल दिया था कि हाँ मैं भी तुझे पसंद करती हूँ, क्योंकि ये खर्चा करता था मेरे ऊपर और आप मुझे घर से ज्यादा पैसे देते नहीं थे। अब मैं शादी वादी नहीं कर सकती इससे, वो तो यही मेरे पीछे पड़ा था, मैंने तो बस थोड़ा सा दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया था, ऐसे कोई शादी वादी का वादा मैंने इसको नहीं किया था। यार कैसी बात कर रही है, यही मेरे से बोल रही थी कि मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं बोला था ठीक है शादी कर ले, और मेरे से बोलने लगी कि अपनी ना प्रॉपर्टी जितनी भी है ना मेरे नाम कर दे, उसके बाद मैं भैया से बात कर लूंगी और शादी भी कर लूंगी, और मेरे को ना पैसे की जरूरत है, तू ना पैसे के निकाल के भी लिया, मेरे को पैसे दे दे, ये सब बोल रही थी मेरे से। वो तो भैया मैंने इसे मजाक में बोला था, क्योंकि कौन ही दे देता है अपनी प्रॉपर्टी किसी को, मैं तो इसे टालने के लिए बोल रही थी जिससे कि ये मेरे पीछे ना आए वापस, और कुछ भी नहीं है ऐसा। भैया ये झूठ बोल रही है, अब जी तुम्हारे आगे फंस चुकी है ना इसलिए झूठ बोल रही है, इसका पर्दाफाश हो गया इसलिए झूठ बोल रही है, आप मेरी बात को समझिए, इसने बोला था मेरे से ऐसे। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे खूब अच्छे से पता चल गया है कि मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती थी,
तुझसे नहीं। और दिव्या तू, हमारे मम्मी पापा ने यही संस्कार दिए हैं कि किसी इंसान से सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए प्यार करें। और भैया तुम, तुमको नहीं पता कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो वो दिल से प्यार करता है, पैसे से नहीं, दौलत से नहीं। और तू, तुझे तो मैं घर जाके बताऊंगा, पर तू अभी की अभी ना मेरे साथ घर चल पहले। भैया मेरी बात, मैंने बोला ना अभी की अभी मेरे साथ घर चल।